हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और एक्चुअली रात को परी ने सोने नहीं दिया, तो थोड़ी सी मेरी मॉर्निंग लेट स्टार्ट हुई है। जैसे आप लेट उठते हो तो थोड़ा सा आलस रहता है, तो मुझे भी आलस था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर जाऊँ, फ्रेश एयर मिलेगी तो थोड़ा सा माइंड भी ओपन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा फॉर द डे। तो ये देखिए, आज बारिश का मौसम हो रखा है और बड़ा अच्छा लग रहा है वेदर, ग्रीनरी। और जैसे आप फ्रेश एयर लेते हो तो थोड़ा सा मन भी अच्छा होता है और आपका काम करने का भी मन करता है, अदरवाइज तो आलस से ही रहते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आई थिंक सबके साथ ऐसे होता है होगा जब भी आप लेट उठते हो। तो ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ मैं, अभी बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट और टाइम हुआ है 10:15। तो सबसे पहले मॉर्निंग में चाहिए होती है चाय, और विंटर में तो हम स्पेशली अदरक वाली चाय ही पीते हैं। तो मैं इसको अदरक को अच्छे से कूट करके डाल लूँगी और मैं बना रही हूँ जिंजर टी। और जब भी ऐसे लेट उठते हैं और थोड़ा जल्दी होते हैं तो मेरे माइंड में सिर्फ ये होता है कुछ हेल्दी और इजी, जो इजी हो बनाने में और जल्दी बन जाए, वही ब्रेकफास्ट में बनाऊँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जल्दी से बनने वाला मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है पोहा। तो मैंने पोहा को भिगो दिया है और मैं इसको वैसे ही नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ जैसे आप सब बनाते हैं। मैंने इसमें राई का छोंक लगा दिया है और हरी मिर्ची काट के डाल रही हूँ। एक्चुअली हरी मिर्ची को जब आप पहले उसको भून लेते हैं, मतलब मैं इसमें एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ देसी घी, और पीनट्स डाले हैं मैंने यहाँ पर और अनियन का छोंक लगा दिया है। तो मैं सबको अच्छे से एक ही साथ भून लूँगी। और जब आप हरी मिर्ची को भूनते हैं घी में तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। और मैंने हरे मटर भी डाल दिए हैं, और ये मेरे पास आलू था तो मैं हाफ आलू बॉयल था ये, तो मैं इसको भी उसमें डालूंगी और हाफ को मैं छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। आई थिंक सब ऐसे ही बनाते होंगे, अगर आप कुछ अलग डिफरेंट वे से बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। और सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक यही आती है, अगर जल्दी से कुछ बनाना है और हेल्दी बनाना है तो मैं पोहा को ही प्रेफरेंस देती हूँ। और सारे मसालों को इसमें बेस्ट यही है कि आप सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, तभी उसका टेस्ट आता है। और मैं इसको पोहा को मैंने अब डाल के इसको मिक्स कर लूँगी, और मैं इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके चलाऊंगी ताकि जो मसाले हैं वो सब पोहे के अंदर चले जाएं, और मैं इसको ढक करके रख दूंगी 2 मिनट्स के लिए। और ये मेरी चाय रेडी हो गई है, अदरक वाली स्पेशल चाय। और पोहा को भी बीच बीच में हिलाते रहिएगा। और ये मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया, क्योंकि हरे धनिया से जो टेस्ट होता है वो अच्छे से आता है, उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं इसमें डालूंगी ये लेमन भी मैं इसके अंदर डालूंगी, बट लेमन को मैं गैस को ऑफ़ करने के बाद डालूंगी। ये मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसमें लेमन डाल दिया है, हाफ लेमन। और यस, जो लेमन के सीड्स होते हैं उनको ज़रूर ध्यान से निकाल दीजिएगा, अदरवाइज़ खाते हुए अगर वो मुँह के दाँत के नीचे आते हैं तो बहुत ही कड़वा हो जाता है। तो लेमन डालने के बाद हम इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और अब ये मेरा रेडी है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये कलर भी इसका अच्छा लग रहा है और खाने उधर टेस्टी है ही। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा विदाउट एनी रूटीन ब्रेकफास्ट, और मैं आपका जो मेरा डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।